नमस्ते, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि दार्जिलिंग में किस लोकेशन पे होटल लेना सही होगा। अगर आप समर में जाते हो तो होटल थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा किसी लोकेशन में आप लोगे, बिकॉज समर पिक सीजन होता है। विंटर में थोड़ा सा सस्ता होता है और मानसून में तो बिल्कुल सस्ता होता है, बिकॉज मानसून ऑफ सीजन है दार्जिलिंग में। अब एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि किस लोकेशन में होटल लेना सही होता है। तो अगर आपको भीड़ भाड़ की आप शौकीन हो, आपको पार्टियां करनी अच्छी लगती है, आपको ड्रिंकिंग अच्छा लगता है, आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, तो आप मॉल रोड के पास अपना होटल ले सकते हो। मॉल रोड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है दार्जिलिंग का, जहाँ पे आपको अलग अलग क्वालिटी के गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े, अलग अलग क्वालिटी के टी मिलेगा, आपको वाइन मिलेगी, यहाँ पे आप लोकल खाना भी इंजॉय कर सकते हो दार्जिलिंग का। तो मॉल रोड में जिन लोग को पार्टियाँ पसंद है, भीड़ भाड़ पसंद है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपना होटल ले सकते हो। रात को यहाँ पे एक अलग सा नज़ारा होता है, पार्टियों वाला नज़ारा होता है, सब लोग पूरे मस्ती के मूड में यहाँ पे रहते हैं। तो मॉल रोड के पास भी आप अपना होटल ले सकते हो, थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन आप क्लॉक टावर के ऊपर साइड में लेते हो। क्लॉक टावर के साइड में एक रोड जाता है जो थोड़ी सी चढ़ाई है वहाँ पे रोड में, तो वन साइडेड रोड है। वहाँ पे आप थोड़ी सी अंदर के साइड में जाओगे तो आपको एक बजट होटल मिल जाएगा। बट एक बात का ध्यान रखना, होटल जब भी लो तो उसका जो व्यू हो, बालकनी का व्यू हो, आपको माउंटेन के साइड में हो। थोड़ा सा महंगा मिलेगा, बट घूमने के लिए जाते हो तो थोड़े पैसे को तो खर्च कर ही सकते हो। अब कुछ लोग आते हैं जिनको शांति पसंद है, जिनको पीस पसंद है, तो वो घूम मॉनेस्ट्री के पास अपना होटल ले सकते हैं। घूम मॉनेस्ट्री के पास एक अच्छा व्यू वाला, बहुत सारा व्यू वाला, एक अच्छा नहीं, बहुत सारे व्यू वाला आपको डिफरेंट डिफरेंट बजट रेट में आपको होटल मिल जाएगा। आप वहाँ पर अपना होटल ले सकते हो। जिन लोगों को पीस पसंद है, शांति पसंद है, थोड़ा सा टाउन से हट के है, बट काफ़ी अच्छी अच्छी होटल वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप बताशिया लूप के पास भी अपना होटल ले सकते हो। बताशिया लूप को गोरखा वार मेमोरियल भी कहते हैं। वहाँ से दार्जिलिंग 360 व्यू के एंगल पे पूरी आपको दार्जिलिंग देखने को मिलेगी। एक अच्छा लोकेशन वहाँ पे बनता है, मिडिल रेंज में आपको वहाँ पे होटल मिल जाएगी, ठीक ठाक होटल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आप खोजना चाहोगे, मेफेयर टाइप का, तो उस टाइप का होटल वहाँ पे नहीं मिलेगा। एक मीडियम रेंज में एक अच्छा होटल आप वहाँ पे ले सकते हो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं अपना बालकोनी खोलूं, खिड़की खोलूं, तो मुझे दार्जिलिंग का टी गार्डन देखने को मिले। तो ऑरेंज वैली के पास डिफरेंट डिफरेंट होम स्टे आपको देखने को मिलेगा, आप वहाँ पे भी अपना होटल ले सकते हो। थोड़ा सा रेट आपको सस्ता मिल जाएगा वहाँ पे, थोड़ा सा लोकेशन दूर होता है, अगर आप होम स्टे लेते हो तो आपको सस्ते सस्ते होम स्टे आपको मिल जाते हैं ऑरेंज वैली के पास। हैप्पी वैली टी गार्डन के पास भी बहुत सारे आपको होम स्टे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे होटल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आप होटल ले सकते हो, शांति मिलेगी थोड़ी सी, भीड़ भाड़ से दूर आप इस लोकेशन पे भी अपना होटल ले सकते हो अगर आप कपल हो तो। दार्जिलिंग कैसे आना है, दार्जिलिंग में क्या क्या घूमने लायक जगह है, सब पे वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है सफर विद मयंक, SAFAR सफर WITH विद MAYANK मयंक। अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। तो जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।